Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start a chapter 5, that is a poem, I Dream a World by Langston Hughes. Langston Hughes was an American poet, and in this poem, he has tried to make Earth a better place to live. So let's read the poem and know how we can make Earth a better place. We will start with first para. I dream a world where man No other will scorn. पोइट यहाँ पे कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ वेयर मैन नो अदर विल स्कॉन. स्कॉन का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना किसी को. तो कहता है मैं ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ जहाँ पे कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को मत डांटे. डांटने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको कोई रोके ना. डांटने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल पीपल मस्ट बी इक्वल, कि सब इक्वल हों, सबको इक्वल राइट्स हों. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन सबको डोमिनेट करता जाए. ठीक है. वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ अडोन. कहता है जहाँ पे जो प्यार है वो धरती को सजाए एंड पीस, धरती को आशीर्वाद दे, धरती को खुशहाल बनाए. एंड पीस इट्स पाथ अडोन, और जो पीस है, शांति है, इसके रस्तों को, पाथ मीन रास्ता, वे. अडोन, अडोन क्या होता है? सजाना, डेकोरेट करना. मतलब लव और पीस अर्थ को खुशहाल बनाए, अर्थ को सजाएं. बेटा इस लाइन में ना लव और पीस है, ये पोएटिक डिवाइस यूज़ की है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इट्स अ लिटरेरी डिवाइस, जिसको कहते हैं ना पोइट्री का श्रृंगार. पोइट्री को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, दैट आर पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो अ डिवाइस. इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट को हम कंक्रीट बना देते हैं. एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट कैसे? जैसे अच्छाई है, अब हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं. अगर हम उसको ह्यूमन शेप देना चाहें तो ह्यूमन शेप कैसे देंगे? हम किसी को वाइट कपड़े पहना देंगे, ठीक है, वाइट वाइट सा मेकअप कर देंगे, ठीक है. अब ये क्या हुई? पर्सोनिफिकेशन. अच्छाई दिखती तो नहीं है, बट हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसको ह्यूमन शेप दे दी. अब बुराई है, अब बुराई को हम कैसे देखेंगे? बुराई दिखती तो है नहीं है, बट हाउ कैन वी गिव इट शेप? अगर हमने बुराई को शेप देनी हो, ह्यूमन शेप, हम कैसे देंगे? ब्लैक से कपड़े डाल देंगे, दो सिंग खड़े कर देंगे, ब्लैक ब्लैक मेकअप, बड़ी ब्लैक ब्लैक आइज, इस तरह से हम कर देंगे. तो सेम चीज़ यहाँ पे पोएट ने यूज़ की है. लव और पीस को कहा है कि वो अर्थ को डेकोरेट की करेंगे. आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे. कहता मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ जहाँ पे सबको, सबके पास स्वीट फ्रीडम हो, सबके पास आज़ादी हो. वही बेटा, वही बात आ गई. आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे कर लें, ठीक है, अगर हम कुछ गलत भी करना चाहें वो भी कर लें, नहीं. आज़ादी का मतलब ये है कि हम अब हमें अब सबको इक्वल राइट्स हों, ठीक है. राइट्स के लिए बेटा ड्यूटीज़ भी आती हैं, मतलब सब अपनी ड्यूटीज़ निभाएं और सबको इक्वल राइट्स मिले. वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स अ सोल. ग्रीड मतलब लालच, सैप मतलब खोखला करना, सोल मीन्स स्पिरिट, आत्मा. कहता जहाँ पे जो लालच है वो हमारी आत्मा को खोखला ना करे. एंड नोर एवरेस्ट ब्लाइट्स आर डे. बेटा जो एवरेस्ट है वो भी क्या है? इट्स अ हायर डिग्री ऑफ ग्रीड. मतलब लालच ही जब बढ़ जाता है उसको एवरेस्ट कह देते हैं हम, ठीक है. ग्रीड की ही एक कह लो, इसकी हाई क्वांटिटी में ग्रीड हो जाए तो उसको वो एवरेस्ट कहलाता है. ब्लाइट्स आर डे, ब्लाइट्स आर डे मतलब, ब्लाइट्स मतलब अनहैप्पी कर देना, उसकी खुशियां ख़त्म कर देना. कहता है जहाँ पे जो लालच है हमारी आत्मा को खोखला ना करे और हमारी दिन की खुशियों को ख़त्म ना करे. अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट वट एवर रेस यू बी. कहता एक ऐसा संसार मैं चाहता हूँ, पोइट कहता है कि जहाँ पे ब्लैक और वाइट उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वट एवर रेस यू बी. रेस मीन्स कम्युनिटी. बेटा ब्लैक और वाइट का भी हमने, जैसे हमने पढ़ा है हमारी पास हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि जो रेसिज्म होती है या निग्रोस पीपल होते हैं उनके साथ ये उनको इक्वल राइट नहीं मिलते थे. ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात थी. अमेरिका में ये चीज़ बहुत होती थी, मे बी पोइट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की हो.
कि जो ब्लैक पीपल होते थे, निग्रोज होते थे, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे. बट हम देख सकते हैं कि अब तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. इवन कि उनके एक प्रेसिडेंट भी ब्लैक रह चुके हैं, ब्लैक पर्सन, जो कि ओबामा है. कहता है वट एवर रेस यू बी विल शेयर द बाउंटीज ऑफ अर्थ. बाउंटीज मतलब गिफ्ट, प्रेजेंट, रिवार्ड ऑफ एंड एवरी मैन इज फ्री. कहता मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ जहाँ पे ब्लैक और वाइट, आप जिस भी रेस के हो, ठीक है, आप सबको अर्थ की सब बराबर प्रेजेंट्स मिलेंगे और हर एक इंसान फ्री होगा. ठीक है, किसी के ऊपर कोई ये नहीं होगा कि वो वाइट रेस का है वो उसको टॉर्चर करे, ठीक है, या वो ब्लैक है वो सिर्फ सफ़र करे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट इज वेयर रेचनेस विल हैंग इट्स हेड. कहता जहाँ पे बुराई है उस वो लटक जाए, मतलब हैंग इट्स हेड मतलब बुराई जो है वो ख़त्म हो जाए. ठीक है, एंड जॉय लाइक अ पर्ल, जो जॉय है वो खुश, जो खुशी है लाइक अ पर्ल. पर्ल क्या होता है, मोती. अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड. कहता वो सभी सबकी जो है जरूरतों को पूरी करे, मतलब जो खुशियाँ हैं वो सुच्चे मोती की तरह, सुच्चे मोती की शाइन कभी भी नहीं जाती. कहता सुच्चे मोती की तरह वो सभी इंसानों को मिले, खुशियाँ सबके हिस्से में आए. ऑफ सच आई ड्रीम आवर वर्ल्ड. तो इस तरह की जो मैं संसार है उसकी कल्पना करता हूँ जहाँ पे बुराई ना हो, सिर्फ अच्छाई अच्छाई हो, खुशियाँ हो, सबको इक्वल राइट्स मिले. सो दिस इज़ अ पोएम. I hope you all have understood. Thank you.